एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और आइए आज बहुत ही आसान और टेस्टी मटन करी बनाते हैं। इस करी में टमाटर, दही या ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल किया गया है। ये बनाने में बहुत आसान है और अपने किचन रैक पर जो मसाले होते हैं उन्हीं से ये तैयार किया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस पाउडर मसालों में यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही जीरा है। एक कुकर में 100 ml मस्टर्ड ऑयल डालें, उसे गरम करें और कुछ खड़े मसाले से तेल को इन्फ्यूज़ करें। जैसे ही खड़े मसाले में रंग आ जाए, 3 बड़े प्याज की लेंथ वाइज स्लाइस करके इसमें डाल दें और इसे लाइट ब्राउन होने तक सॉटे कर लें। फ्लेम को तेज़ रखें और प्याज को लगातार चलाते रहें, ऐसा करने से प्याज जलेगा नहीं। साथ ही इस मटन करी में करी हमें प्याज से ही मिलना है, तो अगर आपको ज़्यादा करी चाहिए तो आप प्याज की गिनती बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही ये गुलाबी हो जाए, इसमें धुला हुआ और छना हुआ मटन डाल दें। मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन का इस्तेमाल किया है। मटन को प्याज के साथ 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह से तल लें, ऐसा करने से मटन की बाहरी लेयर ब्राउन हो जाएगी और इसका कच्चापन जाता रहेगा। इस तरह से तलने से मटन सोना हो जाएगा। जैसे ही ये अच्छी तरह से तला जा चुका होता है, इसमें एक तेजपात डालें, तेजपात से इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। आप यहीं पर अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन डाला है, जिसमें रेशियो 50-50 है। अब 2-3 मिनट तक अदरक और लहसुन के साथ भी इसे अच्छी तरह से तल लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जो हमने मसाला तैयार किया है उसे भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। पाउडर मसाले में धनिया, मिर्च और गरम मसाला होममेड है और इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। घर का पिसा हुआ मसाला होने की वजह से मीट बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इसे 2-3 मिनट तक मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें। मैंने यहाँ पर 2-3 मिनट तक मसाले को भून लिया है, तो अब बारी है इसमें पानी मिलाने का। मैंने यहाँ पर 300 ml पानी इस्तेमाल किया है, जो कि 1 बड़े कप से 1 कप भरकर है। आप मीट के टेंडरनेस के हिसाब से इसमें पानी इस्तेमाल करें। कुकर का ढक्कन बंद कर दें और पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को धीमा कर दें और लगभग 20 मिनट तक इसे पकने दें, या उस वक्त तक पकाएं जब तक कि ये गल ना जाए। 20 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें तरी बची हुई है और सारी करी जो है वो कुकर के किनारे आप देख सकते हैं। अब इसे धीमे फ्लेम पर रखें और भून जाने तक इसे पकाते रहें। अब गोश्त हमारी पसंद के मुताबिक गाढ़ा हो चुका है और इसकी तरी भी हमारे पसंद के मुताबिक हो चुकी है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी करी रखें। तो अब इसके साथ ही ये मटन करी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका बनाना कितना आसान है। जिन लोगों को नॉन वेज बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। तो इसे पकाएं, खाएं और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विज़िट किया है, वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने पसंद किया होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इस डिश को बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप इस मटन करी को बासमती राइस के साथ या चपाती के साथ बहुत इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।